Now next C program to increase the value of all array element by 1. Suppose that you have any integer array available hai, like that. First of all, you create an array with maximum size. Sometimes in this case, just maximum size use as 100. Just when logic write down, which common logic is already write down. First one, array. Array case mein, total kitne elements ke liye space create hoga? Just 100 elements. Like that. First element का index क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Address something 100. Array के case में सारे के सारे operations perform किसके respect में based on base address of array 106, 108 and so on. First place पर. Next इस case में जस्ट आप read क्या करो सबसे पहले array के अंदर physical size क्या है 100 लेकिन आप logically कितने element manage करो n elements. इसलिए मैंने read क्या कराया value of n. अगर n का value इस case में enter किया 5 then next time आपको कितने elements read करने की जरूरत है 5 elements for given array A clear in that case तो read operations के लिए just मैंने simply user defined function create किया इसको create करने के logics में already previous session में discuss कर चुका इसलिए मैंने directly write down किया है same display जब भी मुझे array के element display कराने की need हो display के लिए भी separate function है इन दोनों ही case में array के लिए required inputs क्या होंगे array का base address और size of array clear दोनों केस में से एरे के लिए अगर कोई भी कॉमन ऑपरेशन सभी एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म कराना तो ऑलवेज आप लूप मैनेज करोगे फ्रॉम 0 टू 9 इट इज फिक्स्ड इस लूप ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 दूसरा केस क्या है 0 टू n माइनस 1 के अंदर कोई भी अगर आप प्लेस इस प्लेस पर यूज करते हो इनसाइड दैट a ऑफ i तो a ऑफ i का मतलब क्या हुआ a ऑफ i रिप्रेजेंटिंग 1 बाय 1 all element of the array तो अगर आप a of i के लिए कोई भी operations या logic apply करते हैं ये logic सारे के सारे elements के लिए apply होगा अगर इस loop के अंदर मैं just write down करता हूँ a of i plus plus तो इस केस में increment किस में हुआ all element of the just perform क्या कराना increment operation for example आपने just इस केस में array create कराने के बाद array के लिए items read करने के लिए just मैंने call कर लिए user defined function read supply क्या किया मैंने array address a and n तो n का वैल्यू 5 है 5 एलिमेंट्स रीड कर लाइक अ 10 20 30 40 एंड 50 बाय यूजिंग दिस रीड ऑपरेशंस इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराना इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट परफॉर्म कराने के लिए सिंपली यू डिफाइन फंक्शन क्रिएट करा एज अ इंक्रीज क्लियर इस केस में अगर इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड होगा एरे का बेस एड्रेस पॉइंट इस केस में a क्या है पॉइंटर वेरिएबल प्लस साइज ऑफ एरे n जैसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेशन से अप्लाई होगा तो जीरो इंडेक्स का वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 10 न्यू वैल्यू क्या होना चाहिए 11 सेम एज नेक्स्ट इंडेक्स में वैल्यू क्या 20 न्यू वैल्यू क्या होगा 21 सेम एज 31 41 एंड 51 इस केस में जस्ट इंक्रीमेंट फंक्शंस के अंदर लॉजिक क्या राइट डन कराओगे सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या होगा लूप इस एरे के लिए अगर कोई भी ऑपरेशन सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है लूप कहां से कहां तक चला फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 4 i इक्वल्स टू 0 कंडीशन क्या आएगा i लेस देन n i प्लस 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 लूप के अंदर बॉडी सेशन में एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराओगे a ऑफ i प्लस प्लस क्लोज दिस फाइनली क्लोजिंग दिस फंक्शन जब भी आपको इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने नीड होगी कॉल क्या कर लोगे स्पेस पर यूजर डिफाइंड फंक्शन है इंक्रीज सप्लाई क्या कराओगे एरे का बेस एड्रेस एंड साइज ऑफ एरे जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ इस केस में एग्जीक्यूशन किसका होगा बॉडी ऑफ इंक्रीज तो इंक्रीज के केस में फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एरे के सारे एलिमेंट विजिट किए यूजिंग दिस लूप प्लस सभी एलिमेंट के लिए परफॉर्म क्या कराया है a ऑफ i प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट ऑपरेशंस देन इस केस में इंक्रीमेंट होने के बाद न्यू वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट आप यूज क्या कर सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शन है डिस्प्ले नेक्स्ट टाइम आपको कोई लॉजिक्स राइट डाउन करने की जरूरत नहीं जस्ट स्पेस पर राइट डाउन क्या करोगे जस्ट डिस्प्ले फंक्शन और डिस्प्ले के अंदर भी इनपुट में क्या पास करेंगे एरे नेम ए एंड साइज ऑफ एरे एन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या होंगे इंक्रीमेंट ऑपरेशन फॉर ऑल एरे एलिमेंट्स